So this is NEBO's IGC, International General Certificate in Occupational Safety, Health and Safety. So basically this course is for the people who are going to manage health and safety at the workplace. आप सभी को ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज कर रहे हैं वर्कप्लेस पे अपने अपने लेवल्स पे. सो दिस कोर्स इज टू लर्न हाउ व्हाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी, व्हाई टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी, व्हाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्कप्लेस एंड हाउ टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्कप्लेस. Right. So it is a basic level three qualification, and in this is a this course is has two units. इसमें दो यूनिट्स हैं, IG1 एंड IG2, IGC1 एंड IGC2, दो यूनिट्स हैं इसमें. IG1 इज अबाउट मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी. इसमें हम बात करेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों मैनेज करना चाहिए और कैसे मैनेज करना चाहिए, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी. ये आपका थियरी पेपर रहेगा. इसमें आपको जो एग्जाम होगा वो ये थियरी पेपर है. आपका एग्जाम में आपको इस अटेंड करना है, आंसर्स इसमें ड्राफ्ट करने होंगे आपको. IG2 जो है आपका, इसमें दिस द सेकेंड यूनिट, इसमें आपका एक रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करना है. ठीक है, इसमें दो यूनिट से मान लीजिए आप, IG1 एंड IG2. दिस इज द थियरी पेपर एंड दिस इज द प्रैक्टिकल रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट यू हैव टू प्रिपेयर. राइट, सो जनरली IG1 आपका जो निबोस IGC कोर्स है, इसमें टोटल आपके 11 एलिमेंट्स हैं या फिर 11 चैप्टर्स हैं. निगोस के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं एलिमेंट्स, 11 एलिमेंट्स होते हैं इसमें. राइट, आउट ऑफ विच IG1 में है आपके चार एलिमेंट्स, 1 से लेके 4 तक आपका IG1 कवर होता है, एंड एलिमेंट 5 से एलिमेंट 11 आपका IG2 कवर होता है. ठीक है, सो इन IG1 इसमें क्या है, IG1 के जो भी क्लासेस होंगे आपके, नेक्स्ट 15-18 डेज आपका क्लास होगा वो IG1 पे होगा. राइट, और संडेज जो क्लासेस होंगे आपका IG2 पे रहेंगे आपके. ठीक है, IG1 में क्या रहेगा, आपका चार एलिमेंट्स हैं आपके, चार चैप्टर्स हैं, एलिमेंट 1 2 3 4, उसी में से आपको क्वेश्चंस आएंगे. आपको IG1 के रिलेटेड आपको एक ओपन बुक एग्जामिनेशन अपियर करना रहता है. आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन अपियर करना है. ये क्या होता है ओपन बुक एग्जामिनेशन, इसमें आपको 24 आवर्स का टाइम मिलेगा. विद इन 24 आवर्स यू हैव टू कंप्लीट 100 मार्क ऑफ क्वेश्चन, यू हैव टू अटेंड 100 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है, जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका IG1 से ही आएगा, एलिमेंट 1 से एलिमेंट 4 से ही आएगा. थियरी पेपर है आपका ये. इसमें कुछ इसमें इस एग्जाम में आपको एक सिनारियो दिया जाएगा, एक रियल लाइफ सिनारियो आपको दिया जाएगा आपके वर्क प्लेस के, मतलब जैसे लाइकली टू योर वर्क प्लेस. आप किसी कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर हैं, उसमें मैनेजर हैं, कुछ एक्टिविटीज हो रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक सिनारियो एक कहानी आपको मिलेगा. उसमें भी आपका कुछ रोल दिया जाएगा उस सिनारियो में. उस सिनारियो को पढ़ के आपको कुछ टास्क कंप्लीट करने होते हैं. आफ्टर रीडिंग दैट सिनारियो यू हैव टू कंप्लीट ए सीरीज ऑफ टास्क जो कि कुल मिला के 100 मार्क्स का होता है. राइट सर, सेक सर, क्लियर है इतना? राइट, यस सर, क्लियर, ओके. यस सर, इन दिस IG1 यू हैव टू स्कोर मिनिमम 45 टू पास. आपको पास करने के लिए 45 स्कोर करना है IG1 में. राइट, अगर आप 45 से 64 स्कोर करते हैं देन आपका सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा कि यू हैव पास्ड दिस निबो सर्टिफिकेशन. अगर आप IG1 में 65 से 74 स्कोर करते हैं देन आपका लिखा रहेगा यू हैव पास्ड निबो IGC विथ क्रेडिट. अगर आप 75 या फिर उससे ज्यादा स्कोर करते हैं IG1 में देन आपके सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा यू हैव पास्ड दिस सर्टिफिकेशन विथ डिस्टिंक्शन. जैसे कि आपका फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन होता है ना, वैसा ही है, सिमिलर है. तो आपको मिनिमम 45 स्कोर करना है IG1 में पास होने के लिए. राइट, इसमें आपको 24 आवर्स एग्जाम का टाइमिंग दिया जाएगा, ड्यूरेशन रहेगा 24 आवर्स. 24 आवर्स के अंदर आपको आंसर कंप्लीट करके सबमिट करना होता है. दिस इज ओपन बुक एग्जामिनेशन. आप किसी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का हेल्प ले सकते हैं, गूगल का हेल्प ले सकते हैं, किसी भी अच्छे से डॉक्यूमेंट का हेल्प ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल का हेल्प ले सकते हैं, खुद का जो नोट्स आप बनाएंगे डेली बेसिस पे क्लास के दौरान उस नोट्स का हेल्प ले सकते हैं, और जो भी एडिशनल रिसोर्सेस हैं आप वहां से रेफरेंस लेके आंसर लिख सकते हैं. वो आगे बताया जाएगा हाउ टू टेक द रेफरेंसेस. ठीक है, दिस इज अबाउट IG1. राइट, जो का थियोरी पेपर है. IG2 क्या है आपका, ये आपका रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट आपको तैयार करना है. एलिमेंट 5 से लेके एलिमेंट 11 तक डिफरेंट हजार्ड्स को लेके टॉपिक्स हैं,
fire, electricity, manual handling, noise, vibration. There are different categories of hazards mentioned or that covered, that is being covered in IC2. ठीक है, तो आपको कुछ हजार्स को कंसिडर करते हुए आपको एक रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बनाना है. जैसे आप हीरा बनाते हैं, जेएसए बनाते हैं वर्क प्लेस पे, सिमिलर आपको हीरा बनाना होगा, लेकिन निबोश फॉर्मेट से रहेगा. दैट विल बी कम्प्लीटली ऑफ निबोश फॉर्मेट. ठीक, उसके कुछ गाइडलाइंस होते हैं कैसे बनाना है, उसका एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट आपको दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, उस हिसाब से आपको उस रिपोर्ट तैयार करना होता है, जिसमें कि पास होने के लिए आपको 100 से 100 स्कोर करना है. इसमें कोई पासिंग मार्क नहीं है, आपको पास होने के लिए 100 से 100 स्कोर करना होगा. देयर इज नो मिडिल मार्किंग. इसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उस रिपोर्ट को तैयार करने में कुछ क्राइटेरिया होते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया होते हैं. यू हैव टू फुलफिल ऑल द मिनिमम क्राइटेरिया टू पास IC2. इफ यू आर मिसिंग ए सिंगल स्मॉल क्राइटेरिया एज वेल, अगर आप छोटा सा भी कुछ क्राइटेरिया मिस करते हैं, देन आपका IC2 फेल हो जाएगा. ठीक है, इधर 0 या फिर 100, देयर इज नो मिडिल मार्किंग. पास होने के लिए आपको 100 से 100 रखना होगा. सो दिस इज योर निबोस IGC अबाउट योर IG1, योर थियोरी पेपर. IG2 इज अ रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करना. एज आई टोल्ड, इसमें आपका 11 एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट 1 से एलिमेंट 4 तक आपका IG1 कवर होता है, जो कि कमिंग डेज में रेगुलर क्लास में जो हम कवर करें. About health and safety management system, about culture, about risk assessment, about accident investigation, audit, inspections. We'll be covering so many topics. जो भी basic topics हैं, हम उसको cover करेंगे in 15 दिनों में 18 दिनों में, जिसके हिसाब से आपको उस classes के दौरान आपको बहुत सारे scenarios जो कि पहले exam में आ चुके हैं, similar scenarios वहाँ पे practice करवाए जाएंगे. Class में live drafting होगा answers, कैसे answer draft करना है, क्राइटेरिया क्या है ओबी को क्लियर करने का, दोस थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन अ डिटेल्ड मैनर. और आपको कुछ टास्क भी दिए जाएंगे रेगुलर बेसिस पे, आपको कुछ टास्क भी दिए जाएंगे बेस्ड ऑन द सिनारियो. ओनली सिनारियो को बेस करते हुए कुछ टास्क आपको देंगे, आपको सबमिट करना होता है क्लासरूम में. दैट इज योर IC1. IC2 जो आपका 5 से 11 है, दैट इज योर कंप्लीट IC2 रिस्क असेसमेंट. आपको कुछ हजार्स को सिलेक्ट करना है और उन हजार्स को लेकर आपको रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करना. आपके खुद के वर्कप्लेस का हो सकता है या फिर आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको आप यूज कर सकते हैं रिपोर्ट को तैयार करने के लिए. राइट, सो दिस इज अबाउट द सिलेबस. तो क्या होता है में सर? यस सर. सर क्या IG1 और IG2 एक दिन में होगा, एक साथ होगा? देखिए, अभी IG1 और IG2 आप एक डेट में एग्जाम दे सकते हैं या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट डेट में दे सकते हैं. अगर आपको दोनों कवर करने में दिक्कत आ रहा है, देन आप इस महीने या फिर जो फरवरी में एग्जाम होगा, मान लेते हैं फरवरी 7 को एग्जाम है ओपन बुक एग्जामिनेशन, तो उसमें आप IG1 पहले दे दीजिए, देन आप मार्च में IG2 दे सकते हैं, या फिर आप पहले IG2 दे दीजिए फिर IG1 बाद में दे सकते हैं. इफ यू नीड टाइम फॉर प्रिपेरेशन, देन आप पहले IG2 दे के IG1 बाद में कवर कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं. दिस इज नॉट मैंडेटरी कि आपको दोनों एक साथ ही देना है, दोनों एक साथ दे सकते हैं आप. IG2 का टाइमिंग क्या रहे? अभी एग्जाम आप फॉर एग्जाम्पल 7 फरवरी को आपका एग्जाम है IG1 का. ठीक है, तो आपके जो आपका एक आपको एक एडमिट कार्ड आएगा, मान लेते हैं एक हॉल टिकट आएगा PDF में, निबो से आएगा कि आपको दोनों पेपर इसी डेट में सबमिट करना होता है, लेकिन इसके बाद भी आपको 7 डेज का एक्सटेंशन मिलेगा. आफ्टर सबमिट, आफ्टर IG1 एग्जाम आपको 7 डेज का एक्सटेंशन मिलता है टू सबमिट योर IG2 रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट. ठीक है, तो उस दिन आप सबमिट कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सर. और कुछ बताइए अहमद सर.
पर जो क्लास जितना देर होगा उतना काफी होगा एग्जाम पास करने के लिए, या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा, पढ़ाई करना होगा? सर एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपार्ट फ्रॉम क्लास आवर्स आपको सेल्फ स्टडी में निकालना होगा टाइमिंग। आपको जो क्लास रिकॉर्डिंग दी जाएगी, क्यों दी जा रही है, आपको जो क्लासरूम में क्लास की रिकॉर्डिंग दी जाएगी, दैट इज फॉर रिविजन पर्पज। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपने अभी इस महीने क्लास किया, अगर आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, टाइम नहीं मिल रहा है प्रिपरेशन करने के लिए, देन आप उसके अगले महीने टाइम निकाल के एग्जाम दीजिए। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप सफिशियंट टाइम रखिए, बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। उसे कुछ क्राइटेरिया भी हैं सर, आप एग्जाम ऐसे नहीं दे सकते हैं, देयर आर सेवरल क्राइटेरिया, सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे कि आपका अटेंडेंस 100% होना चाहिए, यू कैन नॉट मिस एनी क्लास। आपका अटेंडेंस 100% होना चाहिए, आपका टास्क सबमिट होना चाहिए। हम एक मॉक एग्जाम भी लेते हैं राइट, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, IG1 का सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका एक मॉक एग्जामिनेशन होता है। मॉक का मतलब क्या है, जैसे निबोस एग्जाम लेता है ओपन बुक एग्जामिनेशन, सिमिलरली हम भी एक एग्जाम लेंगे आप लोगों का। वी विल प्रिपेयर आवर ओन सिनारियो, आपको 24 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, आपको सबमिट करना है राइट। तो उस मॉक एग्जाम को भी आपको अपियर करना होता है, आपका अटेंडेंस, टास्क, मॉक एग्जामिनेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट जो भी है आपका, जो भी आपका लाइक योर अग्रीमेंट फॉर्म जो भी है आपका, जो भी दैट इज रिलेटेड टू योर एडमिन पार्ट, वो आपको कवर करना रहता है। आपका डॉक्यूमेंट्स क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप एग्जाम में अपियर नहीं कर सकते राइट, वो ध्यान दीजिएगा आप। ये 2 महीना टफ होने वाला है। या यू कैन से दैट, नॉट टफ, लाइक इफ यू कैन, इफ यू थिंक दिस इज टफ, दिस इज गोइंग टू बी टफ। इफ यू थिंक दिस कैन बी डन, दिस कैन बी डन, बिकॉज सर देखिए आपके एक्सपीरियंस है, अभी कुछ यहाँ पे एक दो बंदे हैं जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, समवन इज ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस, दैट पर्सन इज ऑफ हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फायर सेफ्टी, and someone is having no experience in health and safety. So thing is, ऐसा नहीं है कि हम health and safety में experience है तो we can pass the examination, या फिर मेरे पास कम experience तो मैं pass नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। This is a very basic level qualification sir, level 3 qualification, जो कि एक non technical बंदा भी pass कर सकता है, जिसने safety के बारे में कुछ पता भी नहीं है, that person can also pass this examination if they are following the rules and regulations. Class attend करना है properly, क्योंकि ना सर क्लास में बहुत सारे क्या बोलते हैं टेक्निक्स बताए जाते हैं, हाउ टू पास द एग्जामिनेशन, हाउ टू ड्राफ्ट द आंसर, हाउ टू इंटरप्रेट द सिनेरियो, सिनेरियो कैसे समझना है, टास्क कैसे समझना है, क्या पूछा है क्वेश्चन में कैसे समझना है, उसको कैसे ड्राफ्ट करना है, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। सो इफ यू आर मिसिंग द क्लास देन यू आर मिसिंग अ लॉट। तो एक्चुअली हम क्लास में बहुत कुछ ऐसा कवर करने जा रहे हैं जो कि आप और डेली जो टास्क दिया जा रहा है आपको, आप 1 घंटा निकाल के अगर टास्क बना रहे हैं, डेडिकेटली बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप बस बनाना है, खत्म करना है, भेजना है, ऐसा नहीं है, आप खुद के इंप्रूवमेंट के लिए अगर बना रहे हैं टास्क, देन ऑब्वियसली 1 month इज सफिशियंट सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम सेइंग। One month is sufficient to complete this, to pass this particular course. This is, there is no such hard thing or like this is bread and butter for, like this is just peanuts for you. You have all working on health and safety. This is nothing for you people. ये सब कुछ पता है आपको, बस जो कैसे apply करना है work place पे वो important है, कैसे manage करना है सही। जो कैसे अप्लाई करना है वर्क प्लेस पे वो इम्पोर्टेंट है, कैसे मैनेज करना है सही वर्क प्लेस को, सिनेरियो को समझना, उसको अप्लाई करना, उस पे ज्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए राइट सर, सेक सर। या सो क्या होता है ना, अभी जो एग्जाम होता है आपका IG1,
आपका आईजी वन का ओपन बुक एग्जाम कंप्लीट हुआ, ठीक है, उसके बाद एक क्लोजिंग इंटरव्यू होता है, उसके बाद एक क्लोजिंग इंटरव्यू भी होता है, खत्म नहीं हुआ अभी तक, क्लोजिंग इंटरव्यू होता है। आपने एग्जाम दिया, उसके बाद आपको एक इंटरव्यू फेस करना होता है, राइट, जो कि हम लेते हैं इंटरव्यू, बट दोज रिकॉर्डिंग्स इज विल बी सेंट टू निगोश फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। वो वेरीफाई करते हैं कि आपने ये आंसर खुद लिखा या नहीं लिखा है, आपका नॉलेज है या नहीं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, वहां पे पकड़े जाते हैं, जो कि हेल्प लेते हैं किसी का बनाने में आंसर, या फिर दे डू एनी काइंड ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिस, वो पकड़े जाते हैं। सो आई सजेस्ट ओपन बुक है, फायदा नहीं उठाएंगे। अनएथिकल कैसे होगा, अनएथिकल इसको कैसे कहेंगे, तो ओपन बुक है वो कुछ भी, ओपन बुक है तो आप खुद आंसर बना रहे हैं, खुद आप वहां पे रिसर्च कर रहे हैं, रेफरेंस आप खुद ढूंढ रहे हैं, खुद आंसर टाइप कर रहे हैं, अपने खुद का नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, कोई कोई क्या करते हैं, किसी और से लिखवाते हैं, होता है सर मार्केट में, बिल्कुल होता है, किसी से लिखवाते हैं या फिर किसी किसी का आंसर देख के खुद टाइप कर देते हैं, तो वहां पे माल प्रैक्टिस में आ जाते हैं। देयर इज अ बिगेस्ट स्टेट फॉर ऑल माल प्रैक्टिस। हेलो, यस सर, I want to ask a question. Yes, sir. In the interview, all the questions in 11 elements, written from the 11 elements. Interview में जो question पूछा जाएगा, आपके answer सिर्फ पूछा जाएगा sir. आपने जो answer लिखा होगा, उसी answer से आपको कुछ questions पूछे जाएंगे, very specific questions. To check your understanding. मतलब sir ये मेरे करेंगे, मतलब जो 11 elements है, उसी में से आएगा ना? नहीं, ये चारों elements से आएगा। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए रहेंगे, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए रहेंगे, उसी आपने जो आंसर लिखा होगा उस क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर में जो आंसर लिखा होगा आपने, उस आंसर के बेसिस पे कुछ आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सर। ओके और इफ वी फाइंड एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसीज देन वी रिपोर्ट टू निबोश। मैंने खुद रिपोर्ट किया है बहुत सारी चीजें निबोश को, अगर किसी का आंसर सही नहीं लगा, या फिर कोई बंदा कहीं और देख के आंसर दे रहा है, या फिर आंसर सही से नहीं दे पा रहे हैं, दैट मींस उन्होंने कहीं से हेल्प लिया हुआ है। सो वी रिपोर्ट इट टू निगोश, निगोश इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड दे पुट द मार्क, बैन कर देते हैं, 3 साल 5 साल लाइफ टाइम भी बैन होते हैं बंदे, बैन मतलब आप अब हाँ एग्जाम नहीं दे पाएंगे और निगोश का ऐसा है। जी ओके सो ठीक है, बताइए और कुछ है, और कुछ जानना है बताइए। जो बेसिक्स था मैंने बता दिया आपको, और भी आगे जाके और डिटेल में बताएंगे आपको, बिकॉज इन अ सिंगल डे वी कैन नॉट कवर ऑल द थिंग्स।